से कहे गए थे मैं दवा लेने जा रहे हूँ, तो मैंने उधर से दूध का डिब्बा ले आई हूँ। तो बोले हाँ ठीक है ले आई, इतना ही बोल के गए। क्या कहोगी भैया के लिए, क्या कहोगी अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो? मुझे लगता है वो आ जाएंगे, बताओ क्या कहोगी? दोस्तों स्क्रीन पर जिस शख्स को आप देख रहे हैं इनका नाम है कलीम। ये 2 तारीख की सुबह 10 बजे अपनी और अपने बच्चे की दवा लेने के लिए घर से ये कहकर निकले कि मुझे मेडिकल जाना है और मैं इनकी दवा लेकर आता हूँ। लेकिन ईद हो गई, शाम तक इंतज़ार किया, आज 3रा दिन है लेकिन कलीम अभी तक घर नहीं आए। देखिए कलीम बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और आपकी ये बहन है और आपको बुलाना चाह रही है घर पर, और देखिए किस तरीके से ये रो रही है, बड़ा परेशान है और पूरा घर भरा हुआ है आपका। मुझे लगता है क्या कहोगी भैया के लिए, क्या कहोगी अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो? मुझे लगता है वो आ जाएंगे, बताओ क्या कहोगी? ये कलीम की बड़ी बहन है और जैसे भी लोगों को पता चल रहा है बड़ा गमगीन माहौल है यहाँ पर, सब लोग रो रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं कैमरा थोड़ा सा दिखाना, बहुत ज़्यादा दुखी हैं और आप लोग भी कलीम को खोजने की कोशिश करें और बहुत गमगीन माहौल है। मुझे लगता है कि अगर किसी का जवान बेटा इस तरीके से बच्चों को छोड़कर चला जाए और घर वापस नहीं आए तो क्या बीती है उस माँ पर, क्या बीती है उस बाप पर और क्या बीती है उस बीबी पर जिसका शौहर 3 दिन से लापता हो। मुझे लगता है शायद उस घर का दर्द महसूस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। छोटे छोटे से मासूम बच्चे हैं, मैंने वीडियो में भी आपको दिखाया है, और बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि बस सबको यही उम्मीद है कि आखिर क्या माजरा है, वजह क्या है जो 3 दिन हो गए अभी तक कलीम घर वापस नहीं आए हैं। मुझसे कहे गए थे मैं दवा लेने जा रही हूँ, तो मैंने उधर से दूध का डिब्बा ले आई हूँ। तो बोले हाँ ठीक है ले आई, इतना ही बोल के गए। कितने बज रहे थे उस वक्त? 10 बजे। 10 बजे जब निकलने से पहले कभी किसी तरीके की कोई बात हुई, कुछ बताया कोई ऐसी कभी इससे पहले कभी की कुछ? मुझसे बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। पहली बार ऐसा हुआ ये है जो निकले और अब तक नहीं आए? कितने बेटे हैं आपके? बेटियाँ 2 लड़के 1 लड़की। ये बेटा है 1 महीने का है, इसी का डिब्बा लेने निकले थे? ये कलीम की माँ है, हो सकता है शायद कलीम ने कुछ इनको बताया हो। क्या कोई बात हुई थी? ना कोई बात नहीं हुई थी। अच्छा, ना हमने उन्हें कुछ बताया, ना हमारे सामने गया। अच्छा। अपनी बीवी को बताया जो कही कि मैं दवा लेने जा रही हूँ, हम अभी आ रही हूँ 15 मिनट में। फिर वो 15 मिनट पूरे, अब 3 दिन ही गए, लौट के नहीं आया। अच्छा। हाँ, इनकी बीवी कह रही है कि जैसे दवा लेने गए थे। आप कहाँ थी जब गए थे? हम नहीं थे, हम पता ना, हम उधर पीछे थे कहीं बाहर थे, हम थे नहीं, हमारे सामने नहीं गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है। अच्छा, कब गए थे ये? करीब 10 बजे। 2 तारीख की सुबह में 10 बजे? 10 बजे हम। अच्छा, क्या कहकर निकले? जब बोले मैं दवा लेने जा रहा हूँ लला के लिए। अच्छा। हाँ, डब्बा लाऊंगा दूध का, अब मैं अपने भी दवा ले आऊँगा, मेरा जो पेट जो है ख़राब है। हाँ, तो मैं अपने भी दवा ले आऊँगा, कपड़े बदले और बदल के चले गए, छोड़ गए, अब जो अच्छे वाले कपड़े पहन के चले गए। अच्छा। फिर दोबारा नहीं आए। अच्छा, 10 बजे दवा लेने के लिए जब निकले तो कपड़े चेंज करके निकले थे? कपड़े क्या था पास में, कुछ लेके गए? मोबाइल वगैरह? कुछ नहीं, मोबाइल छोड़ गए घर पे। मोबाइल घर छोड़ गए घर पे? 2 लोगों ने बताया, किसी ने कहा कि पुराने पुल पर हमने देखा 11:30 बजे। अच्छा। एक जो है कल सुबह ईद के दिन करीब 9-10 बजे उन्होंने कहा कि हमने शराब भट्टी के पास में देखा, लेकिन जब वहाँ देखा गया तो मिले नहीं। अच्छा। अब देखो कोई बाकी कहीं खोजने की और ढूंढने की तलाश वगैरह की? तलाश तो जब परसों से लगातार जारी है। अच्छा। समर के ना तो लोग, उनके भाई, हम सभी लोग, मतलब ना खाना खाया किसी ने, समर को इतना परेशान है। एक तो ईद का त्यौहार, उन्होंने सब ऐसी तैसी हो गई त्यौहार की, किसी ने त्यौहार कैसा होता है त्यौहार, क्या पता घर वालों क्या है, वो तो इसी गम में है कि पता नहीं हमारा कहाँ है भाई हमारा या हमारा बेटा कहाँ है, बताओ। हम भी समझ जा, जिसने जहाँ बताया देखने के लिए गए, लेकिन वहाँ सब क्या देखा था, बस क्या पता देखा था या नहीं देखा था, आदमी सच बताया या झूठ बताया किसी ने, क्या है क्या नहीं है।
कलीम के जितने भी फैमिली के लोग, जितने भी रिलेशन, रिश्तेदार वगैरह, जितने भी सारे लोग थे, वो सभी लोग कलीम को तलाश करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यही घर नहीं है जहाँ पर ईद नहीं हुई है, तमाम ऐसे घर कलीम के जितने भी रिलेशन के घर हैं, उन घरों में भी ईद का त्यौहार नहीं मनाया गया है, क्योंकि बहुत बड़ा कलेश है घर में, बहुत बड़ी परेशानी सी आ गई है। क्योंकि जब तक कलीम वापस नहीं आते, उनकी कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो मुझे लगता है कि सारे लोगों का रो रो कर बुरा हाल तब तक हो जाएगा। फिलहाल अब उनको खोजने की कोशिश की जा रही है और उनकी तलाश भी जारी है।